बिग बॉस सीजन 15 के घर में तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा आखिरकार गाजा सिंह की फीलिंग्स को लेकर क्या कुछ बातचीत करते नजर आए हैं, क्या कुछ है पूरी खबर, चलिए मैं बताती हूँ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल पर। वाला आपको बता दूं कि बिग बॉस 15 के घर में हमने देखा है कि शुरुआत से ही अगासा सिंह को प्रतीक सहजपाल के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता होते नजर आता है। साथ ही साथ अगासा सिंह हमेशा ही प्रतीक सहजपाल के लिए स्टैंड लेते नजर आती है और उन्हें सपोर्ट करते नजर आती है। वह इसी बीच जो लड़ाई हुई थी अगासा सिंह तेजस्वी प्रकाश और प्रतीक सहजपाल के बीच में, उस लड़ाई के बीच में अगासा सिंह प्रॉपर तरीके से प्रतीक सहजपाल की गलती होने के बावजूद भी प्रतीक को सपोर्ट करते नजर आए और इसी बात से तेजस्वी प्रकाश को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। वह इसी बात पर करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश को समझाते हुए भी नजर आए कि देखो अगासा सिंह के मन में प्रतीक सहजपाल के लिए बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है और उसे हम नहीं चेंज कर सकते हैं, इसलिए वो हमेशा प्रतीक के लिए स्टैंड लेती है। जैसे निशांत भट्ट प्रतीक सहजपाल के लिए केयर करते हैं, वैसे ही अगासा सिंह बहुत ही ज़्यादा केयर करती है प्रतीक को लेकर और नहीं चाहती है कि प्रतीक को कोई भी किसी भी तरह की बातचीत सुनाए। वह आपको बता दूँ कि करण ने अपना और तेजस्वी का एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, वैसे ही वो दोनों एक दूसरे के लिए हैं, तो हमें भी उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए और अगासा से ज़्यादा नाराज़गी नहीं रखनी चाहिए। वल करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश को बहुत अच्छे से समझा रहे थे अगासा सिंह की पूरी फीलिंग्स के बारे में और साथ ही साथ अगासा सिंह से वापस बात करने को भी समझाया तेजस्वी प्रकाश को करण कुंद्रा ने। वल आपका क्या कुछ कहना है तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की थिंकिंग पर अगासा सिंह के फीलिंग्स को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।